मित्रों, जिस प्रकार मनुष्य के गंगा नहाने से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार गीता का अध्ययन करने से भी मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो देखिए, गीता, श्रीमद् भागवत गीता और श्री गंगा जी में, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से गंगा उत्पन्न हुई है, क्योंकि जब राजा बलि से भगवान श्री हरि विष्णु के जो वामन अवतार थे, तो उस वामन अवतार में भगवान जो है बलि से, राजा बलि से जो काफी मतलब दानी था, तो उन्होंने भगवान को ये दान दिया था कि आप तीन भगवान ने उनसे ये दान मांगा था कि हम सिर्फ और सिर्फ तीन पग भूमि लेंगे। तो भगवान जब तीन पग भूमि नापने चले तो समस्त ब्रह्मांड को उन्होंने नाप लिया, तो उसी समय भगवान के उंगली में चोटी के ठोकर लगने से उनके उंगली से जो है रक्त निकला, और वही रक्त जो है आगे चलकर गंगा बना और वही आज धरती पर जो है बह रही है। तो ठीक उसी प्रकार गंगा माता जिस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से अवतरित हुआ है इस धरती पर, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री हरि के जो कृष्ण अवतार थे महाभारत के युद्ध में, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से, यानी कि उनके मुख से जो है ये गीता की वाणी जो है उत्पन्न हुई थी। यानी अगर श्री गंगा जो है भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई है, तो ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का प्राकट्य भी भगवान के मुख से हुआ है। तो इसीलिए जिस प्रकार गंगा नहाने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करने से भी मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्व जो है श्रीमद् भागवत गीता को दिया गया है, क्योंकि वो मुख से निकला है और उसी को जो है सर्वोत्तम माना जाता है। जय श्री राधे।